OnePlus 12R को मैंने फर्स्ट सेल में परचेज कर लिया था 40,000 का ये फोन, थैंकफुली मुझे 1,000 का डिस्काउंट लगा के 39,000 की प्राइस में मिल गया। और सबसे अच्छी बात क्या थी कि OnePlus के ये बड्स भी मुझे फ्री मिले थे, और ऐसा पिछली बार भी हुआ था जब मैंने OnePlus 11R को परचेज किया था। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस फोन को ना यूज़ तो कर रही हूँ, लेकिन यूज़ करने के बाद मुझे ऐसा फील नहीं आ रहा है कि मैं ऑल टुगेदर एक कुछ नया फोन चला रही हूँ। हाँ, कुछ कुछ जगह पर अपग्रेड किया है, बट कुछ जगह पर बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं किया है। जैसा पिछली बार था बिल्कुल वैसी ही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या कुछ इस फोन में नया OnePlus ने किया है, और क्या ये फोन परचेस करने के वर्थ इट भी है या फिर नहीं? डोंट वरी, इस वीडियो से सब कुछ पता लग जाएगा। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी इस फोन के कैमरास के बारे में कि यहाँ पर क्या अपग्रेड हुए हैं, क्या अपग्रेड नहीं हुए हैं। पहली बात तो सेंसर्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, 50-50 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा सेंसर दे रखे सोनी MX890 सेंसर के साथ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और एक मैक्रो सेंसर दे रखा है, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी है, तो कैमरास बैक साइड में वही है। पहली बात तो काफी लोगों ने ये स्पेकुलेशंस लगाए थे कि 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस हमें OnePlus 12R में देखने को मिलेगा, लेकिन वैसा कुछ भी अपग्रेड नहीं हुआ यहाँ पर, जिसको लेके मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ। लेकिन इससे भी बड़े डिसअपॉइंटमेंट मुझे पता है कब नजर आई, जब मैंने फोटोज कैप्चर करके यहाँ पर कंपेयर करना शुरू करा। मैंने दोनों फोन से काफी सारे फोटोज लिए हैं। देखो, OnePlus 11R कैमरास के बारे में बात करिए, हमेशा तारीफ करिए, लेकिन एक छोटी सी कंप्लेंट मेरी हमेशा रहती थी कि कभी कभार ना थोड़ा सा ओवरली ब्यूटीफाई कर देता है ये फोन, जो कि मुझे लगता है OnePlus को थोड़ा सा टोन डाउन करने की जरूरत है। लेकिन मेरे को पर्सनली ऐसा लगा OnePlus ने इस चीज को शायद बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया, और उन्होंने ओवरऑल कैमरास में जो कलर साइंस है उसको काफी ज्यादा टोन डाउन कर दिया, काफी नेचुरल रखने की कोशिश करी है। लेकिन OnePlus 11R के सामने आई एम सॉरी बट ये कैमरास स्टैंड ही नहीं कर पा रहे। कुछ जगह पर एक्सपोजर नहीं बैलेंस हो पा रहा है, कुछ जगह पर अगर आप देखोगे जहां पर फेस पर लाइट आ रही है तो वहां पर ये काफी ज्यादा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता है, चाहे सेल्फी की बात करो चाहे रियर की बात करो। इनफैक्ट मैंने वाइड एंगल से भी जो फोटोज लिए ना, पिछली बार जो था 120 डिग्रीज के मतलब फील्ड ऑफ व्यू मिलता था वाइड एंगल की फोटोज, इस बार वो भी कम हो गया है। और कंसिस्टेंसी इज द की, जो कि OnePlus 12R के कैमरास में बहुत ज्यादा मिस है। मेरे को लगता है OnePlus को एक अपडेट पुश करना चाहिए और इसके कैमरास को थोड़ा सा फिक्स करना चाहिए। लो लाइट में जब मैंने फोटोज कैप्चर करी काफी सिमिलर थी 11R की तरह ही, लेकिन डिटेल्स अगर देखेंगे तो वो 12R में ज्यादा बेटर थी। और एक और चीज जो अपग्रेड में यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रही थी, जो होना चाहिए था कि चलो ठीक है टेलीफोटो लेंस नहीं दिया, लेकिन आजकल काफी सारे फोन है जिसमें टेलीफोटो लेंस नहीं होता है लेकिन फिर भी 2x में पोर्ट्रेट फोटोज लेने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर के हिसाब से भी वैसा कोई ऑप्शन नहीं आया है। एक और मेजर डाउनग्रेड या फिर मैं बोलूंगी यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं किया गया है कि अभी भी इस फोन में फ्रंट में आप 1080p 30fps में ही शूट कर सकते हो, यहाँ पर 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है। इनफैक्ट 60fps में भी आप वीडियोज नहीं रिकॉर्ड कर सकते, रियर से 4K 60fps में ले सकते हो। अच्छी चीज ये होती है OnePlus के कैमराज में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आप बुके में वीडियोस बना सकते हो फ्रंट और रियर से। इस पूरे वीडियो में मैंने फ्रंट में जहां पर भी वीडियो शूट किया वो OnePlus 12R के कैमरास से किया, आप खुद देख लेना इसकी वीडियो क्वालिटी, मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी है। तो हाँ, स्लाइटली मैं बोलूंगी OnePlus 12R की वीडियोस मुझे थोड़ी सी ज्यादा बेटर लगी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि OnePlus 12R के कैमरास ओवरऑल ज्यादा अच्छे हो गए, नहीं। OnePlus 12R के कैमरास में बहुत काम होने की जरूरत, अगर आप कैमरास के लिए इन दोनों में से किसी को लेने का सोच रहे हो तो अभी फिलहाल एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं यहां पर बोलूंगी OnePlus 11R की तरफ ही आपको जाना चाहिए अगर कैमरास के लिए लेना है। अगर फ्यूचर में अपडेट आने के बाद OnePlus 12R के कैमरास में कुछ चेंजेस आते हैं डेफिनेटली मैं आपको अपडेट करूंगी, या फिर आने वाले कंपैरिजन और डिटेल रिव्यू में आपको पता लग ही जाएगा। अच्छा, इसके अलावा OnePlus 12R में एक अपग्रेड तो काफी अच्छा खासा बड़ा है जो हर किसी को विजिबल है, क्योंकि OnePlus 12R में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट मिल रहा है। पिछली बार Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 चिपसेट दिया हुआ था, अभी देखो कुछ तो अभी ऐसा हुआ है कि मैंने दोनों के अंतत्व यहां पर निकाले और दोनों के 1 मिलियन के अबव थे। ऑब्वियसली OnePlus 12R के अंतत्व स्कोर थोड़े से ज्यादा बेटर थे 11R के कंपैरिजन में, लेकिन इसके अलावा देखो मैंने ना यहाँ पे सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट किया था, कोई ऐसा फर्क नहीं नजर आ रहा था। एंड माइंड यू, मैंने यहाँ पे दोनों का ना ये परफॉर्मेंस मोड वगैरह जो ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है OnePlus के फोन में, वो सबका मैंने ऑन किया हुआ था, उसके बाद ही मैंने सारे टेस्ट किए थे, तो यहाँ पर मेजर डिफरेंस नहीं था। दूसरा, मैंने यहाँ पर सेम वीडियो को एडिट करके रेंडर किया था, सेम तरीके की एडिटिंग करी थी, लेकिन यहाँ पर OnePlus 12R ने काफी स्लो वीडियो रेंडर किया, 50% या 70% पर था ना, तो OnePlus 11R कंप्लीट वीडियो को रेंडर कर चुका था। एक और चीज मैंने यहाँ पर नोटिस करी है कि जब गेमिंग वगैरह करते हैं ना दोनों में, आप स्मूथ ग्राफिक्स में 90fps में BGMI खेल सकते हो, COD वगैरह मैंने सब कुछ खेल के देखा है, लेकिन फॉर सम रीजन मुझे ऐसा फील आया कि OnePlus 12R में फिर भी थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं, OnePlus 11R मुझे ज्यादा स्मूथ लगा। अभी इसके पीछे ना रीजन ये भी हो सकता है कि OnePlus 11R को आए हुए काफी टाइम हो चुका है, बहुत सारे अपडेट्स वगैरह आ चुके हैं इस फोन में, इस वजह से आज की तारीख में ज्यादा बेटर ऑप्टिमाइज्ड मुझे फील हो रहा है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब OnePlus 11R शुरू में लॉन्च हुआ था ना, उसके 5-6 महीने तक भी ना फोन कभी कभी क्रैश हो जाता था या
फिर जिटर्स लैग्स वगैरह देखने को मिलते थे। थैंकफुली वन प्लस 12R में एटलीस्ट मैं वो सारी चीज़ें नोटिस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर फोन काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है। हाँ, गेमिंग वगैरह में मुझे लगता है थोड़ी और फिनिशिंग की अभी ज़रूरत है, जो कि होपफुली आने वाले अपडेट्स वगैरह के थ्रू ठीक हो जाएगा। UI का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो भी एकदम कमाल का है। I mean, वो तो पिछली बार भी अच्छा ही था, दोनों का एकदम नीट एंड क्लीन UI है, कोई एड्स वगैरह का झंझट नहीं होता है। और डायलर वगैरह भी अगर आप चाहो तो डाउनलोड कर लेना, अगर आपको कॉल्स वगैरह रिकॉर्ड करनी पड़ती है किसी की तो। बट हाँ, सिमिलर UI एक्सपीरियंस है OnePlus 12R में। एक चीज़ ये अच्छी हो जाती है कि आपको 3+4 ईयर्स के OS अपडेट मिलेंगे, तो एक साल का एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि 11R एक साल पुराना हो चुका है। तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। खैर, यहाँ से आगे बढ़कर अगर मैं बात करूँ इस फोन की बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट के बारे में, देखो नंबर्स में ना मेरे को लगता है OnePlus ने थोड़ा गेम खेला है, क्योंकि दोनों फोन को 100% से यूज़ करना शुरू किया था। मुझे OnePlus 11R में 5.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल गया था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 500mAh की बैटरी का डिफरेंस एक्चुअली में 1 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मुझे ज़्यादा दे देगा। 6.5 घंटे का ऑलमोस्ट मुझे स्क्रीन ऑन टाइम यहाँ पर देखने को मिला OnePlus 12R में, जो कि डेफिनेटली अच्छा है, वर्थ अपग्रेड करने लायक चीज़ है। एंड यहाँ पर चार्जर जो है दोनों में ही 100W का देखने को मिलता है। अभी OnePlus 12R में ये क्लेम किया गया है कि 25 मिनट्स में फ़ोन फुल चार्ज हो जाता है। एक्चुअली में हो जाएगा, लेकिन आपको बैटरी के सेटिंग्स में जाकर ना वो रैपिड चार्जिंग को ऑन कर लेना। उसके बाद मुझे 25-26 मिनट का टाइम लगा था, लेकिन जब मैंने वो ऑन नहीं किया था स्टार्टिंग में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑफ होके आया था, तो मुझे 35-38 मिनट समथिंग का टाइम लगा था। तो उसको आप एक बार देख लेना। खैर, इन सबसे आगे बढ़कर अभी मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पर इस फोन की डिस्प्ले के बारे में। देखो, बरूबर से अगर आप देखोगे ना तो आपको कुछ डिफरेंस नहीं नजर आएगा, क्योंकि वही AMOLED डिस्प्ले दे रखी है 1.5 की रिजोल्यूशन के साथ, कर्व डिस्प्ले यहाँ पर दी हुई है। लेकिन थोड़े से स्पेक्स पर अगर आप नजर मारोगे और बारीकियों पर जाओगे, तो आपको एक्चुअल में फील होगा कि हाँ, कुछ जगह पे चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि ये 4th जनरेशन LTPO डिस्प्ले है, यहाँ पर 1 Hz से लेके 120 Hz पर रिफ्रेश रेट स्विच हो सकता है। जब यूज़ नहीं आएगा तो वो ऑटोमेटिकली 1 Hz पर भी आ जाता है, जिसकी वजह से बैटरी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। इसके अलावा एक और जगह पे यहाँ पर इन्होंने अच्छा चेंज किया, जो कि एक्चुअली में अच्छा है, बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मतलब है यहाँ पर 4500 nits की पीक ब्राइटनेस दी है। देखो, 4500 nits नंबर सुन के बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है, बट एक्चुअली में अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो डिफरेंस भी नज़र आता है। मतलब इधर 1450 nits की पीक ब्राइटनेस थी, बुरी नहीं थी, काम इधर भी चल रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन इधर क्लियरली डिफरेंस समझ में आ रहा है। चाहे आप आउटडोर्स में जाओ, चाहे आप इंडोर्स में यूज़ करो, इसकी डिस्प्ले ज़्यादा डेफिनेटली ब्राइट है यहाँ पर। लेकिन 12R में एक और चीज़ अच्छी है कि डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट दे रखा है, तो आप इनकेस नेटफ्लिक्स वगैरह में कॉन्टेंट कंज्यूम करते हो तो HDR10 के साथ साथ डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट दे रखा है। लेकिन जैसा कि मैं आजकल हर एक वीडियो में आपको बोल रही हूँ कि कई सारे फोन में ना 4K HDR में जब वीडियो प्ले करते हैं तो कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली फोन क्रैश हो जाता है। थैंकफुली OnePlus 12R में मैंने ये चीज़ अभी तक नोटिस नहीं करी, लेकिन OnePlus 11R यहाँ पर 2 बार क्रैश हुआ। तो ये चीज़ मेरे को लगता है कि ब्रांड्स को YouTube के साथ थोड़ा काम करने की जरूरत है। पता नहीं क्यों हो रहा है, बट है जो है सो है यहाँ पर। हैप्टिक्स देखो, 11R के भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, यहाँ पर भी बहुत सॉलिड हैप्टिक्स है, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है उधर। तो डॉल्बी एटमोस स्टीरियो स्पीकर्स यहाँ पर दे रखे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, कुछ तो गड़बड़ हुई है OnePlus वालों से। OnePlus 11R के स्टीरियो स्पीकर्स मुझे ज़्यादा बेटर लगे हैं, ज़्यादा लाउड भी थे, साउंड क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी थी। फॉर सम रीज़न OnePlus 12R का जो ऑडियो आउटपुट है वो मुझे इतना ज़्यादा नहीं पसंद आया, बट ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मतलब क्लियरली समझ में आ जाएगी। ये तभी डिफरेंस आपको समझ में आएगा जब आप दोनों फोन को साइड बाय साइड रख के कंपेयर करोगे। इंडिविजुअली अगर देखोगे तो OnePlus 12R भी आपको बुरा नहीं लगने वाला है। एनीवेज, अभी यहाँ से आगे बढ़कर मैं आना चाहूंगी इस फोन की बिल्ड क्वालिटी पर एंड लुक्स पर। लुक्स के मामले में देखो, ये काफी ज्यादा सिमिलर है OnePlus 11R की तरह ही दिखता है। मैंने फौरन चेंज इसका दूसरा कलर परचेस किया है, क्योंकि दोनों बिल्कुल सिमिलर ना हो जाए इस वजह से। लेकिन अगर मेरे पास ऑप्शन होते और भी कलर्स अगर होते तो आई गेस मैं ये ब्लू वाला तो नहीं लेती यार। इसके पीछे रीजन है, पहली बात तो बहुत ज्यादा ग्लॉसी फिनिश के साथ है, मतलब ग्लास है, उसके बावजूद भी इतना फिंगरप्रिंट को अट्रैक्ट कर रहा है ना, फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से कवर के अंदर ही रखना पड़ता है इसको अच्छा दिखाने के लिए, जो कि दिखता भी नहीं है कवर के अंदर। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि मैं इस कलर को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तो अगर आप लेने का सोच रहे हो तो कंसिडर करना, इस कलर को लो, ज़्यादा फायदे में रहोगे। इसके अलावा एक और चीज़ मुझे अच्छी जो लगी है यहाँ पर, वो ये कि पिछली बार ना फ्रेमिंग जो थी वो प्लास्टिक की थी, इस बार फ्रेमिंग जो है वो इन्होंने मेटल की कर दी है, जो कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रीमियमनेस में ऐड हो रहा है। और उसकी वजह से फोन ना थोड़ा सा ऐसे डेंस फील आ रहा है। ऑल्दो वेट वगैरह में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन है जो चीज़ है वो मैंने आपको बता दी। कर्व डिस्प्ले है पिछली बार की तरह ही, तो वो तो सेम ही है यहाँ पर। पिछली बार भी NFC का सपोर्ट था, IR ब्लास्टर था, अलर्ट स्लाइडर था, तो वो चीज़ें बिल्कुल सिमिलर है। लेकिन एक और चीज़ में अपग्रेड हुआ है कि पिछली बार कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन थी, इस बार कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टिस 2 की प्रोटेक्शन यहाँ पर दी गई है। अच्छा, एक और चीज़ ना मेरे को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सही लगी कि इन्होंने अपने बटन्स की पोजीशन चेंज कर दी। देखो, पूरा फोन इन्होंने सिमिलर बनाया, चाहते तो बटन्स का पोजीशन भी वैसा ही रख सकते थे जैसा पिछली बार रखा था, लेकिन
आप लोगों को याद होगा OnePlus 11R के हर एक रिव्यू कंपैरिजन में मैंने ये बात मेंशन करी है कि फोन के बटन्स की पोजीशन इस तरह से प्लेस्ड है कि आप पावर बटन और वॉल्यूम बटन आपका प्रेस हो जाता है और स्क्रीनशॉट्स आ जाते हैं। मेरा फोन एक टाइम पर लिटरली अपने फोटोज से ज्यादा ना स्क्रीनशॉट से भर गया था, वो एक मुझे बड़ी दिक्कत नजर आती थी। इस बार थैंकफुली वो चीज नहीं यहाँ पर हो रही है, तो अच्छा काम किया OnePlus ने इस मामले में। एक और चीज अच्छी है यहाँ पर कि IP64 की रेटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो छोटे छोटे अपग्रेड्स हैं लेकिन उन पर भी अगर ध्यान दिया गया है तो वो अच्छी चीज है कहीं ना कहीं यहाँ पर। अभी आई नो आप लोगों का एक ही क्वेश्चन होगा कि सीधा सीधा बता दो 40,000 के वर्थ इट भी है या फिर नहीं है स्मार्टफोन। देखो यहाँ पर ना मेरे को दो बातें आप लोगों से बोलनी है। पहला, तो अगर आपके पास ऑलरेडी OnePlus 11R है तब तो आपको सोचना भी नहीं है कि आपको OnePlus 12R की तरफ जाना चाहिए या फिर मेरे को अपग्रेड करने की जरूरत है। नहीं, OnePlus 11R बिल्कुल इंटैक्ट स्मार्टफोन है और उतना ही अच्छा स्मार्टफोन है जब वो लॉन्च हुआ था और जिस टाइम पर उसकी जितनी हाइप थी आज भी उतना ही मेरे को लगता है वो करता है। दूसरी चीज एक और ये है, अगर आपकी प्रायोरिटीज फोन में अच्छे कैमरास हैं तब भी मैं बोलूंगी कि आप OnePlus 12R को स्किप कर दो, आप OnePlus 11R की तरफ जाओ, क्योंकि एट दिस पॉइंट इन टाइम OnePlus 11R के कैमरास एक्चुअली में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 12R पर काम करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपको इन जनरल एक बैलेंस्ड फोन की तरफ आप देख रहे हो जहां पर आपको लंबे टाइम तक फोन चलाना है, आपको अच्छा फोन चाहिए और दोनों जब 40,000 में मिल रहे हैं तो फिर मेरे को लगता है कि क्यों ना OnePlus 12R की तरफ चले जाओ। मतलब कैमरास ऐसे OnePlus 11R के कंपैरिजन में अच्छे नहीं है लेकिन वैसे बहुत बुरे भी नहीं है। डेफिनेटली अपडेट वगैरह से थोड़ा बहुत फिक्स हो जाएंगी चीजें, लेकिन उसके अलावा आपको अपडेट ज्यादा टाइम तक का देखने को मिलेगा, ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है, फ्रेम वगैरह यहाँ पर मेटल का कर दिया है तो कुछ चीजों में अपग्रेड हुआ है। हाँ, आने वाले टाइम पर अगर ऐसा होता है कि OnePlus 11R की प्राइस एकदम कट हो जाती है कुछ 5-6 हज़ार रुपए से और ये 33,000-34,000 की प्राइस में मिलने लगता है तब तो मैं बोलूंगी फिर सोचने और समझने की जरूरत है, क्योंकि उस टाइम पर फिर डेफिनेटली OnePlus 11R ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा मेरी नजरों में, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है तो उस चीज के बारे में बात करते नहीं है। आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से कौन सा फोन लेना चाहिए और OnePlus 12R में कितने अपग्रेड हुए हैं, कितने डाउनग्रेड हुए हैं, वो इस वीडियो से अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई लाइक जरूर से करिएगा। बाकी तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।